दिल की धड़कन ट्रेन के पहियों के साथ सुर मिला रही थी और देखते ही देखते कटरा रेलवे स्टेशन हमारी आंखों से उछल हो गया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ मुख्यतः दो भागों में बटे हुए हैं। इनमें से एक है पीर पंजाल रेंज और दूसरी है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। आज का हमारा ये सफर शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से होते हुए हमें जम्मू तक ले जाएगा। वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद यात्री इसी रास्ते से वापसी करते हैं। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और रास्ते में आने वाले ये प्यारे से गांव आपकी आंखों में बस जाएंगे। बचपन में दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था मालगुडी डे। इस जगह को देख के मुझे वो पुराने दिन याद आने लगे। मन किया कि इस जगह रुक के यहाँ कुछ पल बिताए जाए, पर सोचने भर तक ही ट्रेन बहुत आगे जा चुकी थी और बचपन के दिनों की तरह ही ये जगह भी एक याद बनकर रह गई। साथ ही जिंदगी की तरह रेल ने भी सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। जब आप ट्रेन से सफर करते हो तो ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाती है। अगर आप जम्मू से कश्मीर का सफर करते हो तो आपको उधमपुर होते हुए ही जाना पड़ेगा, ट्रेन हो चाहे बस। यहाँ से जम्मू जाते हुए काफी खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। जम्मू उधमपुर हाईवे आपके सफर को और भी सुहाना बना देगा। रफ्तार के शौकीन लोग खुद को यहाँ रोक नहीं पाते। गाड़ियाँ हवाओं से बातें करने लगती हैं। पहाड़ों में सुकून है, शांति है और आपके बेचैन मन को शांत करने का सामर्थ्य भी है। आपको बस इतना करना है कि अपनी दफ्तर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से फुर्सत के कुछ दिन लेके यहाँ आना है। ये वादियाँ आपकी हर एक चिंता को धीरे धीरे खुद में घोल के गायब कर देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। शहर के नाम से जाने वाला ये शहर काफी खूबसूरत है। एक जमाने में यहाँ डोगरा राजवंश का राज हुआ करता था। यहाँ के लोगों की आम बोली भी डोगरी भाषा है। जम्मू शहर में रात के वक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहुत दिक्कत रहती है। आप रात को यहाँ पहुँचते हुए लेट हो जाते हो तो अगर आपकी किस्मत सही रही तो हमारी तरह छत की सीट मिल जाएगी, या हो सकता है आपको अपने रूम तक पैदल भी जाना पड़े।